अवार्ड के रिसिपिएंट के बारे में मैं क्या कहूं, ट्रूली बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिप्शन. आई बीन हिज फैन एवर सिंस आई कैन रिमेंबर. टू मी ही ट्रूली एम्बॉडीज व्हाट इट मींस टू बी अ सुपरस्टार, अ मेगा स्टार, द बिगेस्ट स्टार एवर. ही इज समवन दैट आई हैड द ग्रेट फॉर्च्यून टू वर्क विद एंड नो इमेंसली क्लोजली लाइक फैमिली. एंड आई हैव टू से इट्स एन ऑनर, अ ट्रू ऑनर टू बी बॉर्न इन अ जेनरेशन दैट लव्स and adores this magnetic aura, a true phenomenon, none other than the legend, Mr. Amitabh Bachchan. From his legendary stardom, his path-breaking performances, his humbling contribution to social welfare, his impeccable humor, and his ability to leave us all emotionally and physically speechless. There is no nation in the world that doesn't tremble with delight when he appears. Ladies and gentlemen, winner of the Indian Film Personality of the Year, the one and only Shri Amitabh Bachchan. Let's take a look. Amitabh Bachchan, a name synonymous with mega stardom. What can we say about Mr. Bachchan that hasn't already been said before? Legend. Superstar, a one-man industry, angry young man. Words fall short to describe the force that is Amitabh Bachchan. He has been the face of Indian show business for close to 5 decades. And is one of those rare actors who has a magnificent career as a main lead, even at the age of 75. 70 के दशक का विजय हो या आज का सुभाष नागरे, इनके हर किरदार ने ऑडियंस का दिल जीता है. चाहे वो उनकी कॉमिक टाइमिंग हो या उनका यूनिक डांसिंग स्टाइल, उनकी जुनून से भरी एक्टिंग हो या उनका गाना, अपने 48 साल के लंबे एक्टिंग करियर में नवरस का ऐसा कोई भाव नहीं जिसमें श्री अमिताभ बच्चन ने महारत ना हासिल की हो. इन 10 सालों में हर दिन हर पल मैंने तुम्हें कितना याद किया, इतना याद किया कि जी चाहे कि मैं तुम्हें गले लगाकर कह सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं. हर नया एक्टर इनकी तरह ऊंचाइयों की बुलंदियों को छूना चाहता है. हर बच्चा इनकी तरह अपने माँ बाप का सर ऊंचा करना चाहता है. दिस मैग्नानिमस रिसिपियंट ऑफ द पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड 4 national awards इज एंथुसियास्टिक लाइक अ चाइल्ड. He is quick to congratulate, slow to criticize, and hungry to explore. When his voice echoes, we feel excited. हम सब इस हाथ की 5 उंगलियां हैं. उंगलियां काट देने से हाथ नहीं कट जाता. When he looks into his audience's eyes and talks to us, we believe we are worthy, and in that lies the man's greatness. आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है. When someone tells us, अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है क्या? We feel secretly proud. After all, he is अमिताभ बच्चन. वो जहां खड़े हो जाते हैं वहां से सिर्फ लाइन शुरू नहीं होती, वहां वक्त भी रुक जाता है, सांसें भी थम जाती हैं, और एक आवाज सबके दिलों में गूंजती है, शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह. For that and more, the International Film Festival of India is proud to present the Indian Personality of the Year 2017 to none other than Shri Amitabh Bachchan. पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है. डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. Ladies and gentlemen, to do the honors, may I please invite on stage mega movie star whose love story with the box office is truly unmatchable, none other than Akshay Kumar. Presenting Padma Shri and National Award winner, Shri Akshay Kumar.
थैंक यू करण, थैंक यू सोनाली। आज इस मंच पर मुझे थोड़ा मौका मिला कुछ बोलने का। वैसे मैं हमेशा स्पीचेस से कतराता हूँ, लेकिन आज श्री अमिताभ बच्चन जी को, हु इज़ द विनर ऑफ द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, उसका अवार्ड है, तो मैं कुछ बोलना चाहूँगा सर, अगर आपकी इजाज़त है तो। सर, वैसे तो मैं ये कथा आपको बता चुका हूँ पहले शूटिंग के दौरान, आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि इनकी पर्सनालिटी हम जैसे कॉमन इंसान पर क्या इफेक्ट लाती है। मुझे अभी भी याद है 1980, मुझे लगता है 1980 था जब मैं 12-13 साल का था, तो मैं अपने माँ बाप के साथ कश्मीर गया हुआ था, और वहाँ साहब कश्मीर में शूटिंग कर रहे थे, मैं इनकी शूटिंग दूर से देख रहा था, तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा जा बेटा ऑटोग्राफ ले आ, तो मैं गया था, भाग के गया, और साहब अंगूर खा रहे थे, तो मैंने ऑटोग्राफ मांगा, तो जब सर ऑटोग्राफ दे रहे थे तो मेरी नज़र अंगूर पे थी, मुझे वो अंगूर चाहिए था, वो एक अंगूर नीचे गिर भी गया, तो मैं देख रहा था, तो जब वो लिख रहे थे तो मैं चुप करके नीचे गया, मैंने वो अंगूर को उठाया, ये बात उन्होंने देख ली, लेकिन ऐसे प्रिटेंड किया जैसे इन्होंने देखी नहीं, और इन्होंने साइन करके मुझे मेरा ऑटोग्राफ बुक दिया, और साथ में इतना बड़ा अंगूर का गुच्छा भी दिया। सर, मैं आपसे ये कहूँगा सर, वो अंगूर का गुच्छा जो था दिया था आपने, वो अंगूर थोड़े खट्टे थे, वो खट्टे अंगूर थे, लेकिन मेरे लिए, एक बच्चे के लिए, वो आपसे मिले हुए ऐसे था कि चॉकलेट का पूरा बॉक्स मिला था मुझे, और मैं खा गया, और वो उस वक्त डाइजेस्ट भी हो गए, लेकिन ये कहूँगा सर, उसकी एसेंस जो है वो अभी तक मेरे पास है, वो एसेंस मेरे पास अभी भी है। आपका जो आपने किया वो मैंने हमेशा जिंदगी में याद रखा। मुझे नहीं मालूम था मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊंगा, और एक ऐसा ही हादसा मेरे साथ हुआ जब मैं कीमत फिल्म की शूटिंग कर रहा था, और मैंने देखा एक बच्चे को कोई धक्का मार के निकाल रहा है शूटिंग से, तो बच्चा रो रहा था, तो मैं वहां गया और उस बच्चे के साथ मैंने फोटो ली, उसके साथ फोटो ली, उससे बातचीत की, और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि रणवीर सिंह निकला। तो सर, ये आपका जो इफेक्ट है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो इफेक्ट हमें मेरे अंदर बस चुका है। आपकी पंक्चुअलिटी, एक्टिंग का अभी भी बाकी है थोड़ा बसना, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं सर। सर, आपकी हर सलाह, आपको पता नहीं, आपकी हर सलाह मैं अपने पास रखता हूं, आपकी सलाह के चक्कर में मैं गुजरात करीबन 10 बार जा चुका हूं, क्योंकि आप हमेशा आके कहते हैं आओ मारो गुजरात मां। वो आपकी सलाह मैं हमेशा लेता हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सर, वैसे आप लोगों को बताऊं, सर ने इनके ऊपर एक सुपर कॉमिक बुक भी निकली है, क्या आप लोग जानते हैं? बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। वो कॉमिक बुक का नाम है सुप्रीमो। जी बिल्कुल, सुप्रीमो उसका नाम है। आज जाके उसे गूगल करना, उसे देखना। मैंने वो किताब पढ़ी थी, उसके अंदर अभी भी याद है वो कुछ डायलॉग ऐसे होते थे, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से सुपर हीरो की लाइन शुरू होती है। सर, ऐसे मैं समझता हूं हमारे अमेरिका में सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, और हमारे पास इंडिया में एंग्री यंग मैन है। तो मैं आज ऑफिशियली
ये कहना चाहता हूं सर, आपने मेरे साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, मैंने आपके साथ बहुत सारी फिल्में की हैं, आपने मेरे पिता का रोल किया है कई फिल्मों में और आपने पिता का रोल कई और हीरोओं के साथ भी किया है। सो एज अ आई वुड जस्ट से कि एज अ आई वुड लाइक टू ऑफिशियली से दैट यू आर द फादर ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड we have learned so much and on behalf of our industry if you give permission sir I would love to touch your feet sir thank you very much sir. ये अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड टेक्सटाइल्स मिसेस स्मृति जुबिन ईरानी को। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुड वी प्लीज इनवाइट द वन द ओनली द लेजेंड ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मिस्टर अमिताभ बच्चन। On behalf of Government of India और विशेषतः आप सब शायद जानते होंगे जिन्होंने अमिताभ बच्चन के करियर को पढ़ा है देखा है कि जीवन में शायद एक ऐसा हादसा हुआ ऑल इंडिया रेडियो में कि अमित जी ऑडिशन करने गए और अमित जी को ऑल इंडिया रेडियो पर रिजेक्ट किया गया था। तो आज ये विधि का विधान है अमित जी और हमारा सौभाग्य है कि उसी मंत्रालय द्वारा आज इस मंच पर भारत सरकार की ओर से हर भारतीय नागरिक की ओर से हर फिल्म के चाहक की ओर से आपको ये पारितोषक हम दे रहे हैं। ये हमारा अभिमान है। बहुत बहुत आभार आपका और बहुत बहुत बधाई। A silver peacock, a certificate, and a cash prize of 10 lakhs of rupees. आदर आदाब अभिनंदन आभार। कई ऐसे मौके आते हैं जीवन में जब शब्द नहीं मिलते कि किस तरह उनको व्यक्त किया जाए। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द लगता है लेकिन आज इस कार्यक्रम के जरिए जो कुछ भी आज यहाँ आपने देखा और कहा गया उसके लिए मैं बहुत बहुत अपना आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद अक्षय, बहुत सारी ऐसी बातें आपने बता दी और साथ साथ आपने हमारी उम्र का तकाजा भी बता दिया। सिद्धार्थ यहां आए थे, बहुत सारे कार्यक्रम करके गए, अच्छा हुआ कि वो हमारे ज़माने में नहीं थे वरना सारे रोल उनको मिल जाते। बट ऑनरेबल गवर्नर ऑफ गोवा Mridula Sinha ji, Honorable INB Minister Smriti Irani ji, Honorable Chief Minister of Goa Manohar Parikar ji, distinguished guests, ladies and gentlemen, and the wonderful, happy and welcoming audience of Goa, thank you so much. Goa has always been very close to my heart. My first film, Saath Hindustani, in my career was shot in Goa and therefore I have
immense amount of memories and love and affection for the people of Goa. And if I may say so, the very first film fan that I had was also from Goa. Her name is Zareen, and she's somewhere here. Zareen Fernandez, and fortunately, she's still a fan. I just want to thank Iffy and thank you, Smriti ji, for this recognition. I've always felt that accolades that come to me are something that I feel I do not deserve, but I still feel the same, but I do respect this award, and thank you so much for having me here tonight and honoring me. I've always felt that my respect and regard for the Indian film industry has rested in the presence that the film industry has had in our world. When we sit inside a darkened hall, we never ask what the caste, the creed, the color, or the religion of the person sitting next to us is. Yet we see the same film. We laugh at the same jokes, we cry at the same emotion, we sing the same songs. In this fast, disintegrating world of today, where can you find such a wonderful and worthy example of unity and integration as you do in the world of cinema? During the last years of my father, the revered poet and literature, Dr. Harivansh Rai Bachchan, he used to stand and sit in front of a television and see a Hindi film every evening. Often it used to be repeats of my own films. And one day I asked him, what is it that is so attractive about Hindi cinema? And he said, I get to see poetic justice in 3 hours. You and I will not see poetic justice in a lifetime, perhaps several lifetimes. This is the power and the strength of cinema. I am a very proud Indian, and I'm also a very proud yet very small member of this exquisite fraternity called the Indian film industry. Thank you so much. Namaskar. Congratulations, sir. Most befitting, deserving award. We would request Mr. Akshay Kumar, Mrs. Smriti Zubin Hirani, and Mr. Bachchan to stay on stage. A big congratulations to not only our award winners this evening, ladies and gentlemen, but all of you for making IFFI 2017 a huge success. Let's make this glorious moment even better by calling upon all our special guests. This is indeed a moment to be captured for posterity. We would like to invite Honorable Chief Minister of Goa, Mr. Manohar Parrikar, Mr. K.J. Alphonse, Honorable Minister of State for Tourism, Government of India, Mr. Kiran Rijiju, Minister of State for Home Affairs, Government of India, Mr. Rita Bahuguna Joshi, Minister for Tourism, Government of Uttar Pradesh, Mr. Janu Barua, the Chairperson of the Steering Committee for IFFI 2017, Mr. Sumit Dhingra, Chief Operating Officer, Heritage Brands Division of Arvind Group. We would like to invite Mr. Salman Khan, Mr. Sushant Singh Rajput, Ms. Katrina Kaif, Mr. Nagesh Kukunur, Mr. Siddharth Malhotra, Papon, Ms. Bhumi Pednekar, Ms. Huma Qureshi, Zaira Wasim, and the adorable Martin Ray. And we will also join Sonali and me both. Yes, absolutely. Thank you, ladies and gentlemen. The festival may be coming to an end, but we have this glorious photo op to look forward to right now before we close the evening. Okay.
they won't read anything, you just close it. Yeah. Ladies and gentlemen, thank you very much. The festival may be coming to an end, but we still have a wonderful film to look forward to. The closing film, ladies and gentlemen, of IFFI 2017, which is Thinking of Him by Pablo César. इसी का सफर काफी वक्त तक चलने वाला है क्योंकि इफी लाता रहेगा पूरी दुनिया का सबसे अच्छा बेहतरीन सिनेमा हर साल एक ही जगह आप मुलाकात होगी अगले साल इसी कोशिश के साथ कि इफी इस बार से भी ज्यादा बड़ा और मजेदार हो एंड वी बोल्डली कीप मार्चिंग लेडीज एंड जेंटलमैन इनटू द फ्यूचर ऑफ सिनेमा थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग शुभ रात्रि शब खैर गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच